Hey guys, good morning. So it's the 19th Feb today और I'm all set to go. It's 7:30 now right now. और अभी मैं वेट कर रही हूँ कैब का. एक्चुअली कैब आ चुकी थी, ठीक है. मैंने बोला थोड़ा 5 मिनट्स वेट करने के लिए, तो शायद इट्स गॉन. ठीक है, अभी मैंने भैया को कॉल किया है, वो अभी दूसरी कैब भेज रहे हैं. तो नाउ वेटिंग हियर इन माई वेटिंग एरिया इन द कंपाउंड. और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और तैयार तो था, बट मुझे लगा नीचे कैब वेट कर रही है, सो आई कुडंट डू इट. बट सोच रही हूँ फिर से जाऊँ ऊपर और कर लूँ ब्रेकफास्ट, मगर इतनी देर में आगे कैब तो फिर से चली जाएगी, इसलिए नहीं रिस्क ले सकती हूँ मैं. फाइनली कैब आ चुकी है मेरी. दिस इज द वन. कैसे दो इसी में फॉइल में रैप करके दे दो जल्दी, बड़ी नहीं थी, दूसरी बार भाग जाएगा. बट पहले छोड़ के चला गया था ऊपर, बहुत ऐसे में देख रही थी टूट गया. कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे. अरे यार, गैस कम कर दूँ क्या? तो ऑलरेडी कम ही है. जल्दी जल्दी जल्दी, मैं उसको बोल कर आई हूँ कि मुझे जस्ट लंच बॉक्स लेकर आने ऊपर से. इतना टाइम बच गया है, मुझे नहीं पता था. अरे ऐसे ही कर दो शंपा जी, कोई नहीं, कच्चा खा लूँगी, मगर लेट नहीं होना. कोई बात नहीं शंपा जी, कर दो यार. थैंक यू सो मच. बस बस, अच्छा ही खाना. अरे कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, बहुत लेट हो जाए और कॉलेज से भी बस निकल जाएगी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. हमेशा टाइम से रहती हूँ, बस ये है कि लेट हो जाती हूँ. क्या मतलब है इसका, जो मैंने बोला. एनी वेज, इट डजंट मेक एनी सेंस. अभी भाग लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है. हॉस्पिटल और मैंने अटेंडेंस ले ली है, ठीक है. सो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो करके आई नहीं थी, तो अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन. एंड आई एम एम्प्टी स्टमक, और हॉस्पिटल में तो एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं. अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन में, ठीक है. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं फिर जाऊँगी स्टूडेंट्स का राउंड लेने के लिए. आई टी हेयर, और हॉस्टल से मैं पैक करा कर लेकर आई हूँ चीला. तो अभी मेरा अच्छा वहाँ से ब्रेकफास्ट हो जाएगा. So now I'm gonna start hospital round. सो यहाँ पर हॉस्पिटल से आने के बाद हम डायरेक्टली गए थे कॉलेज, और कॉलेज में मुझे एक मैम ने बोला कि कल उनके हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनको कुछ शॉपिंग करनी है, केक बुक करना है, ठीक है. तो हम इसके लिए गए थे शॉपिंग करने के लिए, बर्थडे शॉपिंग, ठीक है. हमने वहाँ से डेकोरेशन का सामान लिया और केक ऑर्डर किया और काफ़ी इन्जॉय किया मार्केट में. मैम दे दो, यही है बस, ये फाइनल है, बिलिंग करा दो. वो देख लो लाइट, देख ली लाइट, देख ली लाइट. अच्छा, नॉर्मली ले लो.
नॉर्मली दे दो। वैसे कैंडल ना पति बुझाई नहीं जाती है। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे एक बैग लेना है, मैसेंजर बैग। क्या खतरनाक क्यों बनाया रास्ता ऊपर जाने के लिए। ओह गॉड, सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं एक बैग की शॉप पर। ये तो छोटा, ये छोटा है, बट छोटा ही साइज, ये बड़ा है, ये सही है साइज। गुड इवनिंग। सो मैं मार्केट से आके ही सो गई थी और अभी टाइम हो रहा है 8:30, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर के लिए और अब मैं आपसे मिलती हूँ अब कल, ठीक है, नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और गाइस प्लीज़ व्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे कल इन अ न्यू व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय। जी मैंने ग्रोफर से कुछ सामान मंगवाया है तो बस इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ओह 1 kg में इतना सारा आता है।